ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी को तो आज बताना चाहिए कि सरकार के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 176,000 करोड़ रुपए उन्होंने लिए, पिछली बार 50,000 करोड़ दिए, तो 225,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आपने आरबीआई से ले लिए हैं। आरबीआई के पास जो पैसा है वो रोजाना के खर्चे का नहीं है, वो कभी इमरजेंसी होती है, कभी ऐसा संकट पैदा हो जाए तो सरकार के पास, एक सेंट्रल बैंक के पास पैसा होता है, वो लगभग सारा पैसा सरकार ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि 70 साल में पहली बार लगभग सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरकार ने लिया है अपने खर्चे चलाने के लिए, और ये स्पष्ट नहीं किया कि उस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो ये सवाल विपक्ष का पूछना बड़ा लाजमी है कि आज तक किसी सरकार ने 70 साल में इतना पैसा आरबीआई से लिया नहीं है। ये कह देना कि हमने पैसा लिया है और जलान साहब की कमेटी ने रिकमेंड किया है, लेकिन जनता तो ये हक रखती है कि इस पैसे का आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आर्थिक मंदी चल रही है, ऑटो सेक्टर में हजारों लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो लगातार गिरती जा रही है। लेकिन इस बात से संतोष ले लेना कि हम बाकी देशों से बेहतर कर रहे हैं, राजस्थान समेत पूरे देश के लोगों में जो आज संभावनाएँ हैं उसको तलाशने के बजाय लगातार मंदी और धीमी प्रगति से हम लोग जूझ रहे हैं, इसका समाधान क्या, नौकरियां कहाँ हैं। आज हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं, नौजवान लोगों को, ठीक है चुनाव हो गए सरकार बन गई, लेकिन ये बड़ा मौलिक प्रश्न है कि नौजवान हमारे लड़के लड़कियों को जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार कहाँ, जिनके हैं उनके छूट रहे हैं, छटनी हो रही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उसके बाद आर्थिक संकट को टालने के लिए आप आरबीआई से इतना बड़ा पैसा ले रहे हैं बिना बताए कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।